हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र जो है खुश होकर के मेघों को आज्ञा दे करके पृथ्वी पर जल बरसा इंद्र का पूजन करते हैं। इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा किया करता है, अनाज उत्पन्न होता है, घास उत्पन्न होती है, गाय और बछड़ा सब चरते हैं। लाला और मेरी बात सुनो लाला, जब हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा किया करता है, अनाज उत्पन्न होता है, घास उत्पन्न होती है, गाय और बछड़ा सब चरते हैं। और ये गोपियां इंद्र का पूजन करने के लिए जा रही हैं। कन्हैया बोले बाबा आज हम समझ गए। क्या समझ गए? बोले समझ गए, कोई कहीं भटक रहा है तो कोई कहीं भटक रहा है, मतलब बिल्कुल। अरे भाई इंद्र का काम है जल की वर्षा करना, वो तो वर्षा करेगा, लेकिन हम ये कहें कि इंद्र का पूजन करें? बिल्कुल नहीं। कोई कहीं भटक रहा है तो कोई कहीं भटक रहा है। और देखो ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। अक्सर ये देखने को मिलता है हम हिंदुओं में, भगवान बोले हैं बाबा आज हम समझ गए, भगवान का नहीं आ भगवान का नहीं आ बोले हैं बाबा आप समझ गए हैं। जमे ढंगी दुनिया आज हमारे दिमाग में आ गया है, जमे ढंगी दुनिया भूल भुलैया मैं भोला। आज हम समझ गए कोई कहीं भटक रहे हैं तो कोई कहीं भटक रहे हैं, मतलब तो बोले मुक्त मिले जो राम नाम तो बापे चंग उठा दिया, मुक्त मिले जो राम नाम तो बापे चंग उठा दियो। का काम है जल की वर्षा करना, वो तो वर्षा करेगा, लेकिन हम ये कहें कि इंद्र का पूजन करें? बिल्कुल नहीं। और सुना तो किया भैया पान